बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 0 से 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 7 से 10 लाख रुपए पर 10% और 10 से 12 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। इसी तरह 12 से 15 लाख रुपए के एनुअल इनकम पर 20% और 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। इसके साथ ही नए टैक्स रिजीम में अब 50,000 की जगह 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इन दोनों बदलावों से टैक्स पेयर्स को लगभग 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई है, साथ ही टैक्स रेट में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में पुराने टैक्स रिजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का भी फायदा नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी बदलाव हुआ है उसका लाभ न्यू टैक्स स्लैब चुनने वालों को ही मिलेगा।